सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू दी पोकेमोन फायर है, जहाँ पर दोस्तों पिछली बार वी गॉट आर नेक्स्ट जिम बैच जिम बैच जो कि था दोस्तों एरिका के साथ हमने बैटल किया। और दोस्तों वहाँ पर हमें हमारा सेकंड लास्ट बैच नहीं सेकंड लास्ट नहीं अभी भी तीन बैच हमें हासिल करने हैं। सो यस गाइस आज जो है हम यहाँ से कंटिन्यू करने वाले हैं। सो लेट्स गो टू रॉक। सो चलो गाइस ओके यहाँ पर हम प्राइम ऐप को, और दोस्तों आज जो है ना मैंने अपनी प्राइम ऐप को ट्रेनिंग दी है बिकॉज वी आर गोइंग टू चैलेंज TP1 ग्रैंड प्रिक्स। यस गाइस सो लेट्स गेट इट स्टार्टेड। चलते हैं दोस्तों अभी द पोकेमोन नंबर 1 ग्रैंड प्रिक्स। ओके गाइस सो वी आर गोइंग टू एंटर द ग्रैंड प्रिक्स। यस सो लेट्स गेट इट स्टार्टेड। ओके यहाँ पर ब्लॉक हो गया। हे ध्रुव सो यू आर एंटरिंग द टूर्नामेंट टू। ऑलराइट लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके यहाँ पर दोस्तों फटाफट से बैटल जो है यहाँ पर मैं ख़त्म कर लेता हूँ। ऑल द ओके मुझे लगता नहीं यार मैं हर दिन तो ये बोलते रहता हूँ। चलो गाइस आज नहीं बोलता मैं ज़्यादा। ओके साइस्मिक टॉस। ओके यहाँ पर पनिशमेंट साइस्मिक टॉस मेगा किक एंड नो यार मुझे लगता है ना मुझे अपने प्राइम ऐप को जो है और ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है बिकॉज गाइस ओके यहाँ पर 4 मिलियन। चलो ड्रैगन रेस। चलो यार बैटल भी ख़त्म हो गया। और दोस्तों मुझे कमेंट आ रहे थे कि मैं अपने 4 मिलियन को कब इवॉल्व करूँगा चारिज़ार्ड में, तो वेरी वेरी सून गाइस। मतलब कि आज का एपिसोड नंबर क्या है 10 ना, हम जल्दी ही करेंगे। मैंने अपनी पोकेमोन को हील कर दिया हूँ। ओके गाइस सो वी विल एंटर फर्स्ट ट्रेनर इज द ब्लैक बेल्ट एरोन। ओके साइस्मिक टॉक्स का इस्तेमाल कर देता हूँ। ओके रिवेंज फिर से साइस्मिक टॉक्स नहीं मेगा किक देखते कितना डैमेज होता है। ओके गाइस यहाँ पर 1 हिट शो डाउन। ओके गाइस यहाँ पर हमने फर्स्ट ट्रेनर को तो हरा दिया है। हमें यहाँ ना सारे ब्लैक बेल्ट्स को हराना होगा अगर हमें वो लास्ट ट्रेनर को हराना हो। ओके गाइस यहाँ पर आई एम नॉट गोना लूज। ओके हमें भी कुछ हमें भी हारने का शौक नहीं है भाई हम भी। ओके यहाँ पर हितोशी के साथ हमारा अगला बैटल चल रहा है, देखते हैं अभी उसका कितना। ओके साइस्मिक टॉस। ओके ओके लो स्वीप मुझे लगता है ना फिर से मुझे अपना मेगा किक का दोस्तों देखो यार ये दोस्तों ये साइड इफेक्ट है मेगा किक का यार बीच बीच में लगती ही नहीं है पर लग जाएगी ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। प्लीज़ यार दे दे। ओके यहाँ पर दे दिया है देखते अभी कितना डैमेज होता है। ओके गाइस यहाँ पर माचोक भी डाउन हो चुका है। ओके माचोक आई थिंक द थर्ड पोकेमोन जो माच चैंप। ओके यहाँ पर मैं हीलिंग करके हार चुका हूँ। सो ऑलराइट गाइस चलते हैं अभी। मैं ना हर बैटल के बाद दोस्तों हीलिंग करने वाला हूँ। इट्स अ वेरी मतलब कि मैं ऑन स्क्रीन ही करता हूँ मुझे ऑन स्क्रीन फिर से जाना फिर से आना। ओके पोली रैथ मैंने सोचा था कि माच चैंप होगा लेकिन पोली रैथ आया है। ओके यहाँ पर ओ शिट यार मेगा किक फिर से मिस हो गई। नहीं यार मुझे मिस नहीं करना है अटैक कौन सा भी। फिर से देखते हैं मेगा केक देखते हैं अभी कितना डैमेज होता है यहाँ पर। ओके और एक मेगा केक होगी ना तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा यार अगर ये मेगा केक बैठ गई तो। नहीं बैठी देखो यार इसलिए मुझे गुस्सा आता है यार प्राइम के ऊपर प्राइम वाई आर नॉट लिसनिंग टू मी। ओके यार अभी भी दे दे देखो यार अभी भी नहीं दे दी उसने ये सबमिशन। ओके यहाँ पर 2 हिट दोस्तों ये शायद अभी क्या करे यार। ओके मैं यहाँ पर ना हीलिंग कर देता हूँ नहीं तो फिर से मैं यार प्राइमेप ने तो हमारे ये कर दिया लेकिन उसके पोकेमोन ने भी उसका साथ नहीं दिया 2 अटैक्स। ओके यहाँ पर ना हम चले जाते हैं मेगा किक के लिए। अरे यार अब तो दे दे अब क्यों टाइम पास कर रहा है यार प्राइमेप। ओके यहाँ पर मैं ना चले जाता हूँ सीधा साइस्मिक टॉस के लिए बिकॉज उसकी हेल्थ भी दोस्तों डाउन हो चुकी है लगभग। ओके गाइस यहाँ पर पोलेराइज भी डाउन हो चुका है। हमने यहाँ पर 3 ट्रेनर्स को तो डाउन कर लिया ये तो माइक था। ओके यहाँ पर 4 ट्रेनर के लिए चले जाता हूँ। ओके गाइस आई एम ऑल हेल्ड अप एंड लेट्स गो टू द नेक्स्ट अप। ओके आई एम पंप अप देखते इसका नाम क्या है और ये कौन सा पोकेमोन चूज़ करता है। ओके हीड़े की ये कौन सा पोकेमोन चूज कर रहा है माचैम मुझे लगा ही था माचैम आएगा क्योंकि माचोक और माचोप तो हो चुके थे। ओके मेगा किक से शुरुआत कर देता हूँ लेवल 27 शायद जो मेन ट्रेनर है ना उसके पोकेमोन व्हाट जस्ट हैपन ना। ओके मुझे लगता है इस बार ना मुझे 2 पोकेमोन की ज़रूरत होगी पर यार मैं कह रहा हूँ ना उसे लास्ट पोकेमोन मुझे मतलब कि मुझे लगता है ना लेवल 27 है ना तो आई थिंक लास्ट पोकेमोन के जो लेवल्स होंगे वो थोड़े से अच्छे हो मतलब कि लेवल 30 के नीचे हो। ओके यहाँ पर माचैम भी डाउन हो चुका है मुझे 2 पोकेमोन की ज़रूरत पड़ी पर कोई बात नहीं चलते रहता है बीच बीच में तो ये। और गाइज मैंने अपने पोकेमोन्स को ना ऑफ स्क्रीन दोस्तों ट्रेनिंग देने वाला हूँ मतलब कि जल्दी ही। ओके गाइज आई एम ऑल हेल्ड अप मैं हर बार बोल रहा हूँ
ओके यार, यहाँ पर सेकेंड लास्ट चैलेंजर है हमारा, आई एम योर नेक्स्ट चैलेंज, उसने कहा। ओके जियांट, ए टी निकलते तो जियान हो जाएगा ना इसका, मोटा भी है, जियान हो जा सकता था। ओके यहाँ पर मैं थ्रैश के इस्तेमाल करता हूँ, देखते हैं अभी थ्रैश कितना इफेक्ट होता है। ओ माई गुडनेस, यहाँ पर तो एक वन हिट में ही डाउन हो गया। ओके गाइज, हम चलते हैं अपने लास्ट चैलेंज की तरफ। यहाँ पर मैं सेव कर लेता हूँ पी1 ग्रैंड प्रिक्स द अल्टीमेट चैलेंज। सो यू आर माय लास्ट चैलेंजर, ऑल राइट लेट्स बिगिन। ओके आई एम ऑल्सो बिगिन एंड पंप अप। ओके एंथनी, मुझे नाम में भूल गया था पहले बिकॉज। ओके गाइज, यहाँ पर हम थ्रैश का इस्तेमाल करते हैं। ओ वैक्यूम वेव थ्रैश, ओके ओके यहाँ पर एक और थ्रैश देना है फिर हम ना ये बैटल को ख़त्म कर देंगे। येस येस एंड हिटमॉनचैन इज डाउन, हम कंफ्यूज हो गए पर हमें कोई दिक्कत की बात नहीं, उसके पास उसके एक ही पोकेमोन था। 1246 ब्लैक मैन एंथनी एक्सीलेंटो, आई वॉज होपिंग टू विन 960 हमारी अर्निंग हुई यहाँ पर। यू आर आउटस्टैंडिंग हियर, टेक दिस एंड योर रिवॉर्ड। ओके ब्लैक बेल्ट हमें मिल चुका है एंड यू हैव प्रूवन योर सर्विट इन पोकेमोन। ओके गाइज, यहाँ पर ना हम अपने प्राइमेप को अलविदा कहने वाले। यस गाइज, मुझे लगा नहीं था मैं अपने प्राइमेप को रोकूंगा, लेकिन गाइज स्टोरीलाइन के हिसाब से हमें प्राइमेप को इस एंथनी के पास छोड़कर अपनी ट्रेनिंग व उसको ट्रेनिंग के लिए छोड़ देना चाहिए था और हमने वैसा कर चुके हैं। सो लेट्स मूव टू आर नेक्स्ट एडवेंचर। ऑल राइट गाइज, मैं थोड़ा सा सैड क्यों हूँ पता है, प्राइमे भी हमारे कौन सा भी पोकेमोन हमारे साथ ज़्यादा देर तक टिक नहीं पा रहा है यार। सिर्फ पिकेचू ही हमारे साथ है पर बाकी के सारे पोकेमोन से ना जो एक एक करके भी चले जा रहे, मैं नहीं चाहता कि मेरी रेस्ट ऑफ द टीम चली जाए। क्या कर सकते हैं, लेकिन कुछ कर भी नहीं तो नहीं सकते। ओके गाइस, चलते हैं अभी अपने आगे के सफ़र की तरफ। मैं यहाँ पर ना थोड़ी सी आइटम्स यहाँ पर ख़रीद लेता हूँ क्योंकि अपने पास तो बहुत सारी कैश पड़ी है, कुछ ना सामान लेने से अच्छा ये रेपल्स ख़रीद लेता हूँ सबसे पहले तो, और फिर अल्ट्रा बॉल ले लेता हूँ क्योंकि अगला पोकेमोन बिकॉन पकड़ने की ज़रूरत आ जाए। 10 अल्ट्रा बॉल ये ले लिए, अभी मैक्स रेपल ले लेते हैं, नहीं सुपर रेपल अच्छे होंगे बिकॉज गाइज मैं मैक्स रेपल का ज़्यादा इस्तेमाल करता नहीं हूँ, मुझे मैक्स रेपल ज़्यादा पसंद भी नहीं है बिकॉज मैं ज़्यादा यहाँ पर ग्रास एरिया में रहता ही नहीं हूँ, फिर यहाँ पर मैक्स रेबल की ज़रूरत भी नहीं है। ऑल राइट गाइज, आई हैम सो नाउ इट्स टाइम टू लीव दिस सिटी, इट्स अ नाइट सिटी, वी हैव सो मच मेमोरी फ्रॉम दिस। वी ओके गाइज, वी आर इन द रूट 16। ओके ओ यहाँ पर घर भी थे, वहाँ पर मैं जा नहीं सकता लेकिन ओके ग्रिंगी सिटी पावर प्लांट। ओके यहाँ पर ग्रिंगी सिटी में आ चुके हैं, ग्रिंगी सिटी क्या पता। ओके ओके गाइज, यहाँ पर देखते हैं अभी आगे की तरफ। ओके मैं भी थोड़ा समाई कर क्योंकि बिकॉज अगर मैं पास में लूँगा ना तो शायद मैं बैकग्राउंड नॉइस कम हो जाएगी, मैंने कल के वाली वीडियो में देखा था, अभी तो मैंने अपने माइक प्लगिंग किया है। ओके यहाँ पर हमें मिल चुका है मैक्स पोशन आज, हाँ मैंने बताया दोस्तों आज कोई भी जिम बैटल नहीं हो रहा है बिकॉज गाइज टुडे इज़ आर रेस्ट डे, पता है मंडे ही है और मैं रेस्ट ट्यूसडे ही और मैं रेस्ट डे बोल रहा हूँ बिकॉज मैं आज अभी जिम बैटल नहीं करना चाहता क्योंकि पिछले एपिसोड में हमने कर दिया था यार, हम इतने आगे चल रहे तो थोड़ा सा तो टाइम पास तो करना बनता है इस गेम में, टाइम पास भी नहीं कर रहे हम स्टोरीलाइन के, वो स्टोरीलाइन को भी फॉलो कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि हम बिल्कुल भी टाइम पास कर रहे हैं, हम तो आगे चल ही रहे भी, हमें जाता नहीं कि ये गेम को मैं 20-25 मिनट की वीडियो लंबी बना दूँ आप भी थोड़ा बोर हो जाए, इसलिए मैं ना 15 मिनट से भी कम ज़्यादातर रखता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं यहाँ पर 20 मिनट के बना, एक ही बार मैंने 25 मिनट की बना दी थी लेकिन तब क्या था दोस्तों मैं ना हर एक हफ्ते में सिर्फ एक ही बार वीडियो अपलोड करता था, लेकिन अब भी जो है ना मैं हर हफ्ते में 3 बार अपलोड कर रहा हूँ, उस वजह से ना मैंने यहाँ पर वीडियो को ओके यहाँ पर हमें मक मिल रहा है, इसलिए ना मैंने अपनी वीडियो की जो लिमिट है ना मतलब कि टाइम लिमिट वो मैंने डिक्रीज कर दी है। ओके गाइस, यहाँ पर हमें ओपन हो चुका है मक, एक गया दूसरा आया, दैट्स वेरी नाइस। ओके एक्सक्रेप प्रो इस्तेमाल कर सकता है क्या, नहीं यार एक्सक्रेप प्रो इस गेम में क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते, मुझे बाहर निकलना था यहाँ से, डायरेक्ट निकलता तो अच्छा होता था। चलो गाइस कोई बात नहीं, यहाँ से हम चले जाते हैं अभी आगे के सफ़र की तरफ। ओके यहाँ पर सुपर रेपल का फिर से इस्तेमाल किया हूँ बिकॉज अभी तो बहुत हमें चलना है। ओके यहाँ से हम चले जाते हैं बाहर। ओके गाइस यहाँ पर हमें तो आज दो चैलेंज दो स्टोरी लाइन्स हमने फॉलो अप कर दिए। ओके
चलो गाइस यहाँ पर हम चलते हैं अभी आगे की सफर की तरफ। सो ना वी विल प्रॉपरली लीव दी स्लॉटन सिटी गाइस। ये तो रूट 16 था, लेकिन हम ना अभी भी हाफ ऑफ दी सिटी स्लॉटन सिटी में भी थे। अब हम इस सिटी को छोड़ने वाले। ओके साइकिल रोड इज़ अ ग्रेट राइड। ओके यहाँ पर हम साइकिलिंग रोड पर जाने वाले। एक सेकेंड में अपना हाँ ओके अब ठीक है, साइकिलिंग रोड पर जाने वाले यहाँ पर अभी। ओके सुपर रेपल, यहाँ पर हमें एम्बुलेट कॉइन भी मिल गया, अच्छी बात है, मैं बोलना भूल गया। ओके गाइस यहाँ पर हम नीचे की तरफ चले जाते हैं अपने आगे के। साइकिल मैंने अब तक चलाया ही नहीं है, आज देखते साइकिल चलाकर कैसे लगता है अभी। ओके गाइस चलते हैं अभी आगे के सफ़र की तरफ। ओके मक लेवल 35 पर है ना। ओके गाइस यहाँ पर मैंने अपने गेम को स्पीड अप कर दिया हूँ, बिकॉज यहाँ पर जितने भी सारे बैटल्स हैं ना उन सभी बैटल्स को करने वाले हैं। ओके 4 मिलियन बिकॉज गाइस आर 4 मिलियन इज गोइंग टू वेल सून इवॉल्व। ओके लेवल 33 पर जा चुका है, हम इतनी भी जल्दी नहीं करेंगे अपने 4 मिनटर को इवॉल्व, बिकॉज ये मैं ना अपने नेक्स्ट जिम बैटल के लिए थोड़ा सा ये कर रहा हूँ, मतलब कि बोल सकते हो लेवलिंग अप कर रहा हूँ, बिकॉज दो ही पोकेमोन मेरे लेवल अप टू 30 है। मैं चाहता हूँ कि सारे यहाँ पर मुझे अब तक एक्सपीरियंस शेयर मिला नहीं है, मैंने तुझे देखना होगा कहाँ पर मिलता है मुझे वीडियो में एक बार, बिकॉज मैं ज़्यादा सिटी में घूमता भी नहीं हूँ। ओके यहाँ पर मैं रिवाइव का इस्तेमाल कर लेता हूँ आपके लिए, तो सुपर पोशन का भी इस्तेमाल कर लेता हूँ। फिर क्या हम ना ऑफ स्क्रीन ही हीलिंग कर देंगे अगले टाइम से, अभी भी 4 बैटल्स बचे हैं यहाँ पर। ओके तो 4 मिलियन। ओके गाइज हम बैटल तो कर ही रहे हैं, तो तब तक ना मैं चलो ये तो बैटल चलते ही रहते हैं हमारे। और ये देखो यार जियो वालों के मैसेज भी आ गए, मोबाइल में खेलने का है दोस्तों, यही सबसे नुकसान होता है कि मैसेज आते रहते हैं। और ये जो मैंने गेम स्पेस में तो ऐड कर दिया हूँ गेम, लेकिन दोस्तों ये जॉय प्ले मेकर प्लगइन है, उस वजह से ना प्लगइन होने की वजह से ना दिखता ऐप में दिखता नहीं है, और उस वजह से ना दोस्तों यहाँ पर हम उसे गेम स्पेस में ऐड नहीं कर सकते। उस वजह से ना ऐड तो दिखना मतलब कि मैसेजेस तो दिखने आपको यहाँ पर दिखेंगे ही, उस वजह से हम कुछ कर नहीं सकते उन किसी भी चीज़ को। ओके यहाँ पर प्राइम में भी डाउन हो गया, लेवल 34 पर जा चुका है, देखो यार बहुत ही अच्छी लेवलिंग अप कर रहा है। ओके यहाँ पर 3 बैटल्स और बचे, हम सारे के सारे करेंगे। ओके गाइस यहाँ पर मैं फटाफट से बैटल करके फिर से मिलता हूँ। सो ओके गाइस यहाँ पर सिर्फ 2 ही बैटल्स बचे हैं हमारे, सो चलो गाइस इनसे भी डन करके आपसे फिर से मिलता हूँ मैं। ओके गाइस यहाँ पर 4 मिलियन में लेवल 35 पर जा चुका है, दैट्स वेरी नाइस। अब कौन आ रहा है, वोल्ट ड्रॉप अभी बचा तो मेरा पोकेमॉन, अच्छी बात है। हाँ चलो यार 2 HP पर बचा, चलो गए यहाँ पर हम चले जाते हैं। मेरे लगता है मैं सारे बैठे यहाँ पर अभी जो भी आएंगे ना, यार देखो यार आवाज़ बढ़ गई, चलो कम कर दिया, अच्छा हुआ, पता नहीं कैसे आवाज़ बढ़ गई, कौन सा बटन दबाया भी नहीं मैंने। ओके गए यहाँ पर, ओके साइकिलिंग पे मोड थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, प्रॉपर साइकिलिंग की फीलिंग नहीं आ रही मुझे। रोज तो साइकिलिंग करता हूँ मैं गेम में, पर आज थोड़ी सी ये गेम में थोड़ी सी साइकिलिंग हम ज़्यादा चलाएंगे नहीं, इतनी ज़्यादा अच्छी फील नहीं आ रही है। ओके गाइज ओके चलो यार एंड बाइसिकल को रख देते हैं। एंड यस गाइज आज के लिए ना बस इतना ही, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और दोस्तों पसंद आए तो लाइक का बटन है जरूर दबा दीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिना तो बिल्कुल मत भूलना। और दोस्तों मैं आपसे मिलता हूँ पोकेमॉन फायर के अगले।